बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सुई पावन सुई शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् तुम नमामि सद्गुरुम् तुम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। विश्व को धर्म देने वाला भारत आज धर्म विहीन घूम रहा है। भारत के पास करीब 2500 वर्ष से धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर रूढ़ियां हैं और उस रूढ़ियों के लिए प्राण दिए पड़ा है। रूढ़ियों की वजह से धर्म नष्ट हो गया। धर्म उद्धार करता है। भगवान कहते हैं अर्जुन सृष्टि का जघन्य अपराधी भी गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाता है। एक लड़का गंजेड़ी रहा, ठाकुरन का लड़का, तो उनका बाप लेके गया महात्मा के पास। बोले इसको महाराज गांजा छुड़ा देते हो। बोले गांजा पीता है? बोले हाँ हम भी पीते हैं। गांजा पीने से चार फायदे। एक तो गांजा पीने वाले को कुकुर नहीं काटता, दूसरा गांजा पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती, और तीसरा बुढ़ोती का दुख नहीं देखना पड़ता, और पानी में डूब के नहीं मरता। तो बोले देख बाबू, तू कहते हो छोड़ने, अब गुरु महाराज जो कहते इतने इतने गुण हम कबो ने छोड़ो। तो बोले यार हम तो छुड़ावे खातिर लाए रहे यहाँ, महाराज तो औरों लत धर दिए। तो उसके पिता बोले कहो महाराज वो कैसे? बोले भैया गांजा पीने वाला ये दमा धर लिए थे, दमा धर लिए थे तो फिर वो ठंडे से डरता है, पानी के नज़दीक जाए से डरता है, पानी में नहाता ही नहीं, तो का झूरे में डूब के मरी। और गांजा पीने वाला खांसी जब आवत है गिर पड़ी मुँह के बल, तो डंडा लिए रहते और फिर करते हैं। तो जे के हाथ में डंडा रही वो के पास कुकुर ने आई। तीसरा बोले
भैया गांजा पीने वाला जहाँ शाम हुई तो ठुनकी चले लगी, जो जो पुरवैया हवा चली त्यों त्यों ठाठा खांसत खांसत रात बीत जाई। जो आदमी घर में जागत है तो चोरी कैसे हुई, बुढ़ोती का दुख क्यों नहीं देखना पड़ता। वो जवानी में राम नाम सत्य हो जाते बुढ़ोती आई बे नहीं करती। बोले लड़के ने कान पकड़ा उठा बैठा और छोड़ दिया, फिर बहुत जिया। आप लोगों को बात अच्छी नहीं लगे लेकिन हमारे यहाँ जितने शराब पीने वाले भगत थे वो कच्ची उम्र में मर गए, और गांजा वाले सब दमे में ठाए ठाए करने लगे। तो नशा भजन का नशा पीना चाहिए। तो नशा है जिनको दौलत का समझ में पड़ गया पत्थर, अभी तो भीड़ सी रहती है दर पर अपनों की। आपके वहां का एक भजन है मशहूर, न तस्वीर काम आएगा न माला काम आएगा न अदना काम आएगा न आला काम आएगा, न फौजे साथ देंगी न रिशाला काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। नशा जिनको है दौलत का समझ में पड़ गया पत्थर, अभी तो भीड़ सी रहती है अपनों की तेरे दर पर। तू कमाता जाएगा मरकर और ये खाते जाएंगे हंसकर, जरा मेरी तरफ तो देख ये क्या कहता है अंबर, न जोरू कम आएगी न साला कम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। तो बुरा दिन आएगा मिट्टी में मिल जाएगी सब शोहरत, जो करते हैं तेरी इज्जत वो करेंगे कल से तुमसे नफरत। कोई देगा नहीं पानी जब घट जाएगी तेरी ताकत, अरे नादान तेरी एक पल में लुट जाएगी सब दौलत। न चाबी काम आएगी न ताला काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। सभा मेजे पर जब खुर्शीद महसर जगमगाएगी, उस दिन तुझको रोना अपने आमालों पर आएगा। अरे मगरूर तेरा जब सब भरोसा टूट जाएगा, बढ़ेगी तृष्णगी ढूंढेगा पानी तो खाक पाएगा। न सुराही काम आएगी न प्याला काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। करमली करके एक था, नाम सुना, ये उसी का भजन है, आदि धर्मशास्त्र गीता है। भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को
आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने एक श्वाक मनुष्य कहा, महाराज जा मनुष्य जायमान होने से सब लोग मनुष्य कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, वो क्षत्रिय थे क्षत्रिय कहलाते हैं, और सृष्टि की उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है, उन्हीं के लड़के भजन किया वो ब्राह्मण हो गए, कुछ पृथ्वी का भार थामने वाले क्षत्रिय हो गए, आविष्कार हर प्रकार का करने लगे, जिसका नाम जातियां पड़ गई, और इस समुद्र किनारे वाले सगे भाई हैं, पहले तो साधक धर्म क्या, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कभी को विद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सु तपस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहिन बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोसे अगरासी ओई शुद्ध नमामि अविनाशी, शिव यशु कृष्ण कादिक नारद जे मुनि भर भी ज्ञान विशारद, सब कर मत खग नायक है करिए राम पद पंकज निवा, सबका मत एक है राम के चरण कमरों में प्रीति करो, भगवान सर्वांगीण पवित्र है, मनुष्य के हित में परम पवित्र है, तो चरण चरण धो लिया तो चरणामित पी गए, ब्रह्मा ने धोया तो गंगा प्रकट हो गई, और उसी चरणों में से आप आधा भारत 68% भारत शूद्र निकला, अरे भगवान के चरण से निकलेगा तो अमृत निकलेगा, मुक्ति निकलेगी, जिन चरणन के पादुकनी भरत रहे लो लाए, सोई पद आज बिलोकी हूँ इन नयन अब जाए, इसलिए ऐसी ऐसी भ्रांतियों ने जन्म ले लिया, लोग पागल हो गए, और जितने क्षत्रिय भाग गए थे जंगल में, शीश दे सकते हैं लेकिन शीश झुका नहीं सकते, जो अकड़ू खां रहे जंगल में लौट के लड़े तो लड़े, नहीं तो जंगल में बस गए, वो सब आदिवासी है और सब के सब क्षत्रिय हैं, बरचर सीधी जिला में सब राजपूत, ए टू जेड सब राजपूत, गोड़वाड़ा एक राष्ट्र था, उसके राजा महाराजा धीराजा थे, आज आदिवासियों का सब कोटा उनको मिल रहा है, और सब आश्रम के भगत हैं, और कहते हैं नीच, अब ऊंच वालों का भट्टा बैठ गया, उनकी संख्या बहुत है, ठाकुरों की संख्या 5%, हम तीर्थ करते हैं, साधन व्रत उपवास एकादशी करते हैं, तीर्थाटन साधन समुदाय जोग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी।
तो सोई सर्वज्ञ, गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित, पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। धर्म परायण वही कुल धर्म परायण है राम के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रण धीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुरी बीरा। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिशो नर पशु बिनु पूछ बिखान। ओ वो देश देश नहीं जिसमें धर्मशास्त्र नहीं। 2500 वर्ष से पुष्यमित्र सुंग के समय से ये स्मृतियां लिखी गई, 300 स्मृतियां लिखी गई। स्मृतियां लिखने की सनक सवार हो गई, फिर पुराने लिखी गई, पुराण मारे हर देवता की तारीफ, जितने देवता उतनी पुराण। तुलसी ने कहा वो पंथ पुराणनी, ये तो मत मतांतर है। जहां तहां झगड़ो सो, जहां तहां एक दूसरे से टकराव है। तुलसी कहो राम भजननी को, मोइला गत राज डगरो सो। धर्म कभी बदलता नहीं, पहले कभी नहीं बदला। भारत के झंडे अमेरिका में फैले हुए थे, आज भी शिव मंदिर पाए जाते हैं। भारत के झंडे जर्मन, जापान, रूस, चाइना, बाली द्वीप, पूरा अरब सब भारतीय था, नष्ट कर दिया दो पंडितों ने, बस मंत्र पढ़ दिया नाश हो गया। अंगूठा छाप ठाकुर हाथ जोड़ के बैठ गए। वहां पर मुसलमानों के हमला हुआ, युद्ध तो अनिश्चित होता है। एक बार एक राजा फंस गए, 10 दिन मुसलमान की कैद में रहे और छूट के चले आए। अपने साथियों के साथ उनका शिकंजा तोड़ा और चले आए। 10 नरेशों को इकट्ठा किया, फिर हमला किया, उनको भगा दिया दूर। पहले छोटी छोटी स्टेटें थी, इनसे मिलके उनको रगड़ दिया, उनको मिलके उनको रगड़ दिया। एक हो गए तो विजय हो गई। जहां विजय हुई तो धर्म पहुंचा काशी से, बोले अपना खाना खाया, बोले हमारे पास था, अपना पानी पिया, बोले वो व्यवस्था थी। फिर भी युद्ध में छुआ तो होगा, अरे जब तक छुएंगे नहीं तो युद्ध कैसा। पहले तलवारों का ढकेले का तो युद्ध रहा, तो बोले तब धर्म नष्ट हो गया। अब धर्म का फैसला कर रहा कौन? संस्कृत के 4 अक्षर पढ़ लिया वो, इन स्मृतियों के जानकार। तो वो बोले उपाय, बोले पंचगव्य, मैं लेटे रहो 3 दिन, जब खमीर उठ जाए, सड़ जाए वो मट्ठा, तब तक पड़े रहो उसमें। एक राजा साहब को शुद्ध करने का तरीका, इस चमड़ी ने तो कोई पापी नहीं किया, तो पता नहीं शुद्ध किसको कर रहा है। और फिर बाद में उसको जिंदे नाखून काट दिए जाए, फिर भिक्षा पात्र लेके
तीन महीना भिक्षा करके खाए, नाखून कटे हैं और फिर भी तुम जिंदे हो तो तुम हिंदू हो, लेकिन अपने रिश्तेदारों में जो पहले से है उनके साथ संबंध नहीं कर सकते। बोले तुम लोगों की रक्षा के लिए हम प्राणों की होली खेल रहे हैं और हम अशुद्ध हो गए, आग चिता तैयार किया और जल गए, और तो मुसलमानों का लहान बैठा आके चढ़ बैठे। छत्रपति शिवाजी का सेनापति 9 साल मुसलमानों के पास रहा, तो उसने सोचा उपाय क्या है, तो मुसलमानों का ड्रेस पहन लिया, फिर शिकंजा तोड़ के भाग गया। तोड़ा नहीं, उस मुसलमान जानते थे बहुत बड़ा सेनापति, 55,000 का सिपह सालार बना दिया उसको। बोले ये शिवाजी पहाड़ी चूहा, मेरे नाक का बाल हो गया है। बोले उसका तो सारा बल मैं था, जहां पना मैं अभी पूंछ से पकड़कर आपके गोद में गिरा दूंगा। तो बोले फिर जाओ, फिर बादशाह को शक हुआ कहीं बदलने जाए, तो अरब से एक सेनापति के साथ 55,000 फौज और भेजी। अब हो गई 1,10,000। और शिवाजी के क्षेत्र में जब पहुंची फौज तो सेनापति फूला नहीं समाया। बोले देखो फलाने अली, तुम यहाँ कैंप डालो इन पहाड़ों के बीच में, मैं जगह पता लगा के आता हूँ, वो पहाड़ी चूहा किस बिल में छिपा है। सीधा शिवाजी उन 50 उस उनके साथ जो पकड़े गए थे उनको लेके गए और सीधे शिवाजी के महल में चले गए। सब फौज खड़ी थी, बीच से चला गया। सबने देखा है तो हमारे सेनापति है, कोई रोका ही नहीं, सब सलूट बजाया, आगे बढ़ गए। शिवाजी अपने आसन से उठ के खड़े हो गए, गले मिले, भोजन आया, एक ही थाली में बैठ के खाए। बोले क्या हाल है? बोले फंसा के लाया हूँ यहाँ पर इस पहाड़ियों के बीच में, रात को हमला हुआ, 55,000 से आधे तो मारे गए, आधे दुम दबा के भाग गए, और फिर सेनापति का पद संभाल लिया। तब काशी से धर्म पहुंचा, वह 9 साल में गोमांस खाया होगा, 9 साल में तुमने उनका छुआ पानी पिया होगा, धर्म तो नष्ट हो गया। शिवाजी ने निकाला तलवार, अपना धर्म का पुलिंदा लेके चले जाओ काशी। अब एक शब्द निकाला तो मियों को बाद में काटूंगा, पहले तुम्हें काट के फेंक दूंगा। सब भाग गए और फिर एकता से हमला किया, चौथाई भारत कब्जा कर लिया शिवाजी ने। अरे धर्म भी कहीं नष्ट होता है यार, और नष्ट होने का खुलासा करता है ये 4 अक्षर पढ़ा लिखा। कोई महापुरुष, गीता कहती तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से प्रश्न करके, निष्कपट भाव से सेवा करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो जिसे धर्म कहते हैं। और तुलसी कहते हैं ये जो मानस है, मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को, रामचरित वे जो आपके अंतःकरण में प्रवाहित है, इसको कौन जानता है? बोले यह चरित्र जानने मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। इस चरित्र को मुनि ज्ञानी ही जानते हैं।
जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ रखी वो जानते हैं, और तिलक लगा लिया मुनि हो गया उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए महाराणा प्रताप की सफलता का कारण था कोल भील, उनकी सफलता का कारण था उनकी माता जयंताबाई को लड़का समेत पहाड़ों में रहने के लिए भगा दिया। पहाड़ों में कोल भील रहते थे, महाराणा प्रताप का वहीं परवरिश हुआ, उन्हीं में खेले खाए। क्षत्रिय तो कोई साथ नहीं दिया, एक को छोड़ के सगे भाई ने धोखा दिया, लेकिन कोल भीलों ने कभी साथ नहीं छोड़ा। इसकी वजह से महाराणा विजयी हुए और भीलवाड़ा स्टेट दे दिया। और कोल भील थे कौन, पहले कभी युद्ध से पलायन किया था वही ठाकुर हैं। उस समय नीचे अभागा करके टाइटल देने में तो देर नहीं लगती, आपके देने से टाइटल लग जाता है क्या। आज ये हाल है, विश्व को दीक्षित कर लेने वाला भारत टूटते टूटते आजादी आई तो फिर आधा बट गया, और आजादी के बाद जितना मुसलमान हुआ है भारतवासी, जितना ईसाई हुआ भारतवासी, पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो महापुरुषों से पूछ लेते रहे, अब महापुरुष माने संस्कृत के चार शब्द, और कोई बोलने वो किसी कुछ आवे तब न बोले। हमें देखना है कि जिस देश में धर्म शास्त्र नहीं हो धर्म नहीं। भगवान कहते हैं इति गुह्य तमम शास्त्र, ये गोपनीय से गोपनीय शास्त्र। इन ये कथावाचकों ने कह दिया गीता घर में मत रखना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, पितृलोक गिर जाएंगे। महाभारत मत पढ़ना, अन्यथा महाभारत हो जाएगा, गौरवपूर्ण इतिहास। तो हम जब यहाँ बांदा जिला में थे, कड़े प्रतिबंध लगे हुए थे, तो बोले महाराज लड़का गायब हो गया। हम पूछा किसी का कुसंग था, और तो नहीं, अर्जुन गीता हाथ में थी। हम बोले अर्जुन गीता से क्या नुकसान, बोले नहीं पढ़ेगा चाहिए, गृहस्थों को घर में नहीं रखेगा चाहिए, इससे सर्वनाश हो जाता है। हम सोचे यही बकवास करता हो कुछ, पूरे रीवा और बांदा सब जगह ढूंढ के देकर सब ने एक ही बात कहा, जिस देश में गीता शास्त्र नहीं वो देश नहीं, उसके पास आधार ही नहीं है, किसके भरोसे एक होगा। और जिन जिन शास्त्रों को बताया वो एक गपोड़ा है। खैर गीता आपका धर्म शास्त्र है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, जरा दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए मेरे रथ को, मैं देख तो लूं कौन सिर फिरे चले आए गांडी उद्धारी अर्जुन से मुकाबला कर रहे। अर्जुन में क्षमता थी, पल भांजत अर्जुन हने छुए ने दूजो बाण। भीष्म से पूछा गया, दुर्योधन ने पूछा, जरा दोनों सेनाओं का बलाबल बताइए, तो बोले कृपाचार्य 2 महीने में और द्रोणाचार्य 1 महीने में विजय दिला सकते हैं।
और मैं दो दिन में उछल पड़े सब के सब। बोले जी दो दिन में तब तो विजय हमारी हो गई। तो बोले जरा पांडवों का बल बताइए, दो चार गिना के भीष्म बोले, अर्जुन चाहे तो दो मिनट में एक बाण में सबका चेहरा लटक गया। तब फिर भीष्म ने कहा वो उस शक्ति का बाणों का प्रयोग नहीं करेगा हम लोगों पर, क्योंकि हम लोगों में श्रद्धा रखता है, इसीलिए 18 दिन युद्ध ने खींचता ही ना। बोले जरा देख तो लूं कौन सिर फिरे चले आए। जहां देखा तो रथ के पिछले भाग में बैठ गया। गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने पूछा क्या है सनातन धर्म अर्जुन? कुल धर्मा सनातन है, जाति धर्माश्च शाश्वत है। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है, पिंडोदय क्रिया लोप हो जाएगी, पितर लोग खाए बिना मर जाएंगे। हम लोग समझदार होकर मान पाप करने को उद्यत हुए हैं, गोविंद हमें इस पाप से बचना चाहिए। कुछ भी हो गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। धनुष फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में निडाल लेट गया। ये शस्त्रधारी करो मुझे मार डाले, मरना श्रेष्ठ, युद्ध नहीं करूंगा। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता तो युद्ध खत्म उसी दिन। भगवान ने मात्र कर्म की शिक्षा देकर अस्थिव से पूछा कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मयसमुपस्थितं अनार्यजुष्टं अस्वर्गं अकीर्ति कर्म अर्जुन है। इस विषम स्थल में तुम्हें ये विषाद कहाँ से पैदा हो गया? ये घोर अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? ये न कीर्ति बढ़ाने वाला, न कल्याण करने वाला है, न वरिष्ठ पुरुषों ने कभी भूल के आचरण किया है। अनार्य जुष्टम, अंग्रेजों ने लिख दिया अनार्य लंबे होते हैं, बाहर से आए हैं, अरे करीब 1100 वर्ष हुआ। और भगवान कृष्ण की करोड़ों वर्ष पूर्व से लिखी हुई दी हुई गीता अनार्य जुष्टम बाहर से आए, तो हम खुद आर्य हैं। ये अनार्यों का चरित्र कहाँ सीख लिया? जो अस्तित्व का उपास्य के वो आर्य है, और जो नश्वर के पीछे दौड़ता वो अनार्य है, और उस अस्तित्व सिवाय परमात्मा की किसी का नहीं। उस परमात्मा को पाने की विधि का जो आचरण करता है वो आर्य व्रती है, और परिणाम जो प्राप्त कर लेता वो आर्य तो प्राप्त है। धर्म की परिभाषा साफ सुथरी है, आप अपनी किताब में पा जाएंगे। भगवान ने हंसते हुए से कहा ये कायरता कहां से आ गई? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म समूढ चेता यत श्रेष्यत निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु यदि ये अज्ञान है तो मैं सिद्ध की कायर हूं, कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है, आप ही बताइए सत्य क्या है। भगवान ने कहा अर्जुन नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य है उभयो रूपी दृष्टो अन्यस तन्यो तत्व दर्शी भी। सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं, तू है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। अर्जुन
एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है और विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदि अंति आपो, न शोषी अति मारुता। इसको शस्त्र नहीं छेद सकती, वायु नहीं सुखा सकती, आग नहीं जला सकती, न होकर के अन्य कुछ होने वाला है इस शाश्वत और सनातन पुरुष से। ये प्रश्न तो लंबा, इस पमारा को हम नहीं बता सकते आपको। हाँ, हम केवल इतना बताएंगे कि गीता धर्मशास्त्र है। भगवान कहते हैं इति गुह्य तमम शास्त्रम मेदे मुक्तम मया नग एतदुबुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृतस्य भक्त। ये गोपनीय से अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तो लोक में समृद्धि परम श्रेय को प्राप्त कर लोगे। और कोई दूसरा भी है, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते काम करता न च सिद्धिम न वापन होती न सुखम न परम गति। इस शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य अन्य विधियों से जो बचते हैं उनके जीवन में न सुख है, न सिद्धि है, न परम गति है, सबसे भ्रष्ट हो जाता है। गीता आपका धर्मशास्त्र है और इसको छोड़कर कोई है भी नहीं। इसलिए भजन एक परमात्मा का, और जिसमें वायु नहीं सुखा सकता, अग्नि नहीं जला सकती और न हन्यते हने माने शरीर, शरीर के मरा मानने से मरता भी नहीं है, तो कैसे धर्म नष्ट हो गया। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर्घट का दागन छूटे, निर्मल कैसे होई, उसाई तेरा भेद न जाने कोई। अब चमड़ी धोने से अंतःकरण का मैल कैसे धुल जाएगा। इसलिए एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जाप करें, गीता धर्मशास्त्र है, सबको सुलभ कराएं, और कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत हो जाती है, अरे बुद्धि घायल हो गई, बुद्धि गिर पड़ी, बुद्धि के हाथ पांव टूट गए, ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जहाँ पूजा करते हैं वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु होती नहीं, सत्य एक भगवान है, सृष्टि आँखों के सामने है, तुरे हाथ जोड़े से देवता बन जाई का। किंतु मैं सर्वत्र हूँ, मनुष्य की श्रद्धा जहाँ टिक जाती है, पत्थर पानी भूत भवानी पेड़ पौधा में कहीं भी, उसकी उस देव श्रद्धा को मैं पुष्ट करता हूँ। मैं फल का विधान करता हूँ, क्यों मैं सर्वत्र हूँ, फल भी तत्काल मिलता है, भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। वो भोग ही किस काम का, यहाँ से तो झोला भर के माल मिला, बैंक से चले तो घर जाते जाते बैग खाली, नष्ट हो जाता है। कुछ मिली जाता तो देवता पूजना में हर्जा क्या है, बोले वो मेरे ही पुजारी है, मुझे कैसे भजा जाए वो बुद्धि नहीं विधि नहीं मालूम है, अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। जब भजन ही करना तो विधि से करो, और वो विधि है गीता। भगवान कृष्ण कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधु रेव से मंतव्य समय व्यवसित हो, इसे
अत्यंत दुराचारी हमारे भारतवर्ष में करीब 90% लोग भजन नहीं कर सकते, ये स्मृतियों ने बैन लगा रखा है। स्त्रियां नहीं कर सकती, जबकि भगवान कहते हैं स्त्रियो वेशिष तथा शूद्रस ते प्रियांति प्राम गतिम। मानस कहता है पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। कुंती स्त्री थी, अहिल्या स्त्री थी, चरण छोया भगवान ने पार कर दिया, धाम भेज दिया। वो कहते हैं स्त्री भजन नहीं कर सकती, ये गपोड़ा लिखा उसके पुजारी आप लोग हो, इसके आगे कोई कुछ जानता ही नहीं। और ये पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, और वो नारी नर जरूरी नहीं कि भारत में जन्मे हो, नारी नर पुरुष नपुंसक चराचर जगत में कहीं जन्मे हो। सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोई। संपूर्ण भावों से कपट तज के भजते हैं, वो मुझे परम प्रिय है। अब ये भारत वालों का तो और लोग ठीक हैं, सुखी हैं, भारत वालों का तो जीना दुभर कर दिया। इधर धर्म उधर नहीं, इस पर ऋषिक उस पर धर्म, इस पर नहीं बैतरणी पार गए तो धर्म नष्ट, इधर गए तो धर्म, क्या बवाल ये। और ये सब दोष ठाकुरों का है। क्यों बामन कभी तलवार चलाए? हजूर अन्नदाता आपके राज्य में अधर्म हो रहा है, इसने पाप किया है, गाय को हाँक दिया। बोले हैं क्या कहा, इसको सूली में लटका दो। उस सूली के नीचे तो कोई सजा ही नहीं रही है, और सूली से बड़ी सजा होती भी नहीं। यह इतिहास से आजकल हम ठाकुरों का इतिहास ही पढ़ा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और वो पूर्व महाराजा पूर्व फोरस और जो नबुआ हो गया था वो, उसमें आग लगाने वाले विद्वान हैं। विद्वान का मतलब कोई धर्म के विषय में नहीं, लोज लगा कि तुमको इससे लड़ा दिया, लोज लगा कि इनको इससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़ा दिया। एक ही राज में चार भाई है, चारों को लड़ा दिया, चार पंडित इधर उधर होके। चाणक्य ने इस गुत्थी को सुलझाया, इसका नाम है पंडिताई। तो आज भी वही कर रहे हैं यार, आप लोग सब ब्राह्मण बैठे हो हम जानते हैं, हम आपके कुछ थोड़े ही कहते, पुरखा जो किया वो कह रहे हैं। आप लोगों को भविष्य में जिंदा रहना है तो गीता ले लो, एक सीख वर्ग का संदेह कहीं नहीं है। और कि ये संदेह इसलिए हम नहीं मानते तो हमें स्वीकार है। गीता चार छः बार पढ़ लोगे तो आप खुद पढ़ाओगे, आप गुरु और हम चेला, और क्या, ले लो और भारत को बचा लो, इतना ही हमारा विचार है। और नाम जपने की तरीका, और नहीं तो सोचे सोचे होए नहीं जो सोचे लख बार। सोचना बंद करो, काम करो। पंडित बाद बदे सों झूठा, कबीर कहता है पंडित व्यर्थ बात भी बात करते हो, सब झूठ। कहते राम राम कहो मुक्ति मिल जाएगी, राम के कहे जगत गति पावे, खंड कहे मुख मीठा। राम के कहने से जगत गति पा जाए, खंड खंड कहने से मुंह मीठा हो जाए, पावक कहे पांव जोड़ा है,
जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भजे तो दुनिया तर जाए। पंडित बद बदे सो जूटा, आग आग कहने से पाँव जल जाए, जल जल कहने से प्यास बुझ जाए, भोजन भोजन करने से भूख मिट जाए, तब तो दुनिया ही तर जाए। कहते राम राम को, राम राम को। पंडित बाद बदे सो झूठा, व्यर्थ बाद विवाद करते हो, सब झूठ। राम राम कहो। अरे राम के कैसे जगत गति पा जाए, तो खांड कहने से मुंह मीठा क्यों नहीं होता। खांड खांड कहो, आग आग कहो, पाँव क्यों नहीं जलते। जल जल कहो, प्यास क्यों नहीं बुझती। भोजन कहने से भूख क्यों नहीं मिटती। यदि ऐसा हो जाए तब तो दुनिया ही तर जाए। आपका राम नाम सुनने में लगता है कबीर राम नाम का खंडन करता है, खंडन नहीं करता है। राम नाम के आड़ लेके जो कुरीत फैली है उसका खंडन कर रहा है। आपका राम नाम है कैसा कि नर के संग सुवाहरी बोले, हरि परता अपन जाने। मनुष्य के संग से सुवा हरि हरि, ओम ओम, राम राम, ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय खूब बोलता है। कहीं पिंजरा खुला रहा, उड़ गया जंगल में, तो हरि सूरत ने आने तीन दिन में अपने साथियों में मिलके टाई टाई करने लगता है। संग दोष मिला कि राम नाम भूल गया। कितने राम नाम जपो, नाती के पेट में दर्द हुआ सब भुलाई जाए, फिर वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये रह जाए, तो कैसे होगा। राम नाम जपे से होगा ही नहीं क्या। बोले अवश्य होगा। नाम एक जागृति है, बिनु देखे बिनु दर्श परश बिनु, नाम लिए क्या होई। जब तक देखने को न मिले, दर्शन और स्पर्श करने को न मिले। भगवान दर्शन भी देते हैं, स्पर्श भी कराते, तब तक कोरा राम राम रटनेस क्या होगा। गर धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई, वो पंडित बाद बदे सो झूठा। धन धन कहने से धनी हो जाए तो दुनिया में कोई निर्धन रहे ही ना। व्यर्थ बकवास करते हो। आखिर राम नाम गलत है क्या। बोले गलत नहीं है। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्ति न में फांसी। हार्दिक लगाव तो विशेष है, कंठ के ऊपर राम राम है। तोता रटन थे, साची प्रीति विशेष माया सो, हरि भक्तन को फांसी। हरि भक्ति में यही एक फांसी है। सच्ची प्रीति भगवान से लगाओ तब जाप करो। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। पंडित बद बदे सो झूठा, सच्ची प्रीति भगवान से हो और तब जाप करो। और प्रीति नहीं है और जाप कर रहे हो, ये काम हो जाए भगवान, वो काम हो जाए। हरि भक्ति में यही एकमात्र फांसी है। हरि भक्ति न मां फांसी, कहे कबीर नाम तो जपना होगा। कहे कबीर एक नाम जपे बिनु, बांधे यमपुर जासी। पंडित बद बदे सो झूठ। नाम एक जागृति है। माता मीरा कहती है, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, बुले ही कब थे।
गली गली तो कीर्तन होता है, दीवालों पे लिखा हुआ है। नाम एक जागृति है, जन्म जन्म की पूंजी पाई। मैंने नाम रतन धन पायो और इस नाम रतन धन की कई जन्मों से अभिलाषा थी, आज पूरी हुई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो। जगत में सबको चाहे, सबने खोवाई दिया और ये रतन धन, रतन है तो चोर जरूर लगेंगे, बोले नहीं खाया न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। खाने से नाम एक रतन धन है, खाने से जाप करने से और बढ़ेगा, खत्म थोड़ा ही होगा। खूटे माने खत्म होना, समाप्त होना। खाया न खूटे, खाने से ये खत्म नहीं हो और बढ़ेगा। चोर न लूटे, इस नाम रतन धन को चोर नहीं लूट सकता, श्रद्धा से प्राप्त कर सकता है। दिन दिन बढ़ते सवायो, प्रतिदिन सवाई बढ़ता जाता है। ये नाम सत्य एक परमात्मा, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। परम सत्य एक परमात्मा, जगत का पट प्रसार नश्वर। सत्य पर्यंत दूरी तय करने की नौका है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवर सागर तरी आयो पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो। ये सत्य की नाव है, खेने वाले सदगुरु हैं, और पहुंचाते कहाँ हैं, भवर सागर उस पार लगाते हैं। भवर सागर तरी आयो पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन करो तो भार न प्रतीत, भजन करे में प्रसन्नता होनी चाहिए। हरसी हरसी जस गायो पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो। हरस हरस के प्रफुल्लित होके गाओ, यश गाओ तब ठीक। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बहनीरा, काम आदि मद दम्बन जाके, तात निरंतर वश में ताके। तो ये निवेदन है कि धर्म शास्त्र गीता ले लो, धर्म क्या, यज्ञ क्या, वर्ण क्या, हम कौन। सृष्टि पलट जाए, धर्म नष्ट होता ही नहीं, और धर्म नष्ट करने वाले सब दुश्मन है, आज दिन के श्राप है। और हमारा भारत के पुरोहित लोग नाश करना तो जानता, उद्धार तो आज तक एक का नहीं किया। किया कभी बोलो, किसी का किया? और फिर भी हम करें क्या, हम अंगूठा छाप है। इसलिए जब सब नष्ट हो जाए तो बची के, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हिंदू धर्म नहीं, सारे नेता कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं, और सारे हिंदू भाग गए, ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, कुछ हो गए। और जब कोई बात आती है तो मुसलमानों के साथ सब होते हैं हिंदू, क्योंकि हिंदुओं के पास तो धर्म ही नहीं। हिंदुओं ने तो हमके भगा रखा है लतिया लतिया के, इसलिए सारा दोष क्षत्रियों का है, क्योंकि ब्राह्मण ने तो कभी तलवार चलाई नहीं। हजूर अन्नदाता वो ब्राह्मण हिताइच, सारा राज्य कोष ब्राह्मणों को दान करके दंगी तलवार लेके युद्ध में चला जाए राजा सा, और लड़के को राज्य अभिषेक कर दे, धन सब लूट लिया,
राजा वीर गति फागे और लड़का कौन सा राज करे। और यही धर्म है जिसका पालन करते आए हो। ये थ्योरी मालूम है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, अब हम बताते हैं। आप एक शब्द भी नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भजन नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं है। भजन के प्रथम चरण में निकृष्ट पद मिलता है शूद्र, दूसरे पद में थोड़ा उन्नत, उत्तम अति उत्तम मध्यम पद, फिर उत्तम पद, फिर अति उत्तम पद। पतंजल के अनुसार, गीता के अनुसार, सृष्टि जगत रूपी रात्रि में अचेत पड़ी हुई है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी। ये पूरी सृष्टि जगत रूपी रात्रि में अचेत पड़ी है। तुलसी कहते हैं अचेत सोने का तरीका क्या है कि मोहनिशा सब सोव निहारा देखें सपने अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सब अचेत पड़े, रात दिन दौड़ धूप करते हैं, स्वप्न देखते हैं, ये सपना घड़ी दो घड़ी का, 70-80 साल का बस। फिर वो घर देखने को मिलता है ना, प्रतिष्ठा देखने को मिलती है, सब यहीं छोड़ के चले जाते। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। तो सपने की सृष्टि में सत्य ढूंढना ये तो डूब मरने की बात है। यदि किसी महापुरुष ने कहा हो सब अचेत है, तस्याम जागृतो संयमी, संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझ कर थोड़ा अभ्यास किया, जग गया। जागृति के प्रथम चरण में वो अल्पज्ञ होता है शूद्र, तो सेवा करे। तत्वदर्शी महापुरुषों की सेवा शरण सानिध्य से भजन जागृत हो जाएगा, विधि जागृत हो जाएगी। तो वैश्य प्रकृति के द्वंद में से आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति निज धन है, उसको संग्रह करने की क्षमता वाला हो जाता है। और गो रक्षा, गो मानो गाय नाम का पशु, लेकिन आध्यात्मिक शब्द है गाय वाला। यहाँ एक प्रश्न है, आप ले लेना जरा। और ये गो गोचर जालग मन जाई सोसो माया जाने भाई, जीती पवन मन गो निरस करी मन ध्यान कमों के पावई। गो ऐसी वस्तु इसको निरस करते हैं, गो निरस हुई तो भगवान ध्यान में आ जाते हैं। तो क्या करें, गाय का खून सुखा दे, दूध सुखा दे, तब भगवान ध्यान में आएंगे। गो निरस करी मन ध्यान कमों पावे, माना गाय नाम का पशु है। गो माने मन सहित इंद्रिय, मन और इंद्रियों के द्वारा संचाल में जहाँ तक कल्पना होती सो सब माया। और गो को विषय रूप से निरस करके मुनि ध्यान में पा जाते हैं। एक भी विषय खींच रहा है तो मन तो विषय की ओर भाग रहा, ध्यान कौन धरेगा? निरस करने पर ही ध्यान में भगवान पाते हैं। वो आते हैं और जिसकी ये अवस्था वो मौनी है, उसके मन सहित इंद्रिया मौन है इसलिए मौनी है, वो मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंच गया इसलिए मौनी है। गो माने मन सहित इंद्रिया, इस गो संयम आत्मिक संपत्ति संग्रह की क्षमता आ गई। थोड़ा इस तरह ऊपर उठा तो क्षत्रिय, क्षय माने काटना, त्रय माने तीनों गुणों के पट प्रसार को, त्रिगुणमयी प्रकृति के पूरे आवरण को काटने की क्षमता आ जाती है, तो क्षत्रिय है। उस वक्त वो भूल नहीं कर सकता, उस समय भगवान के हाथ में उसके मन की लगाम, बुद्धि की लगाम, सारी अंतःकरण की लगाम उसके हाथ में होती है। अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो, कर्ता धर्ता मैं हूँ, विजय तुम्हारी होगी,
ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे पड़े हैं, इनको मार, काम मैं कर दूं, यश तुम ले ले। इस प्रकार भगवान जब बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, उस अवस्था में वो क्षत्रिय होता है। अब भूल करोगे कि भगवान करने देंगे तब तो, कभी कभी साधक बौखला जाता है, भगवान फूक पीट के फिर लाइन पे ले आते हैं। और विकार ही खत्म हो गए, ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई, तो ब्राह्मण है। समय तमय तपे सोचम शांति रार्जो मे वचे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का सहज समन, मन हम रोके ना रुका है, इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, हम दमन करते नहीं, दमन हो चुका है। मन से इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना, तब स्वयं का अध्ययन की कितना लगना चाहिए और कितना लग पा रहा हूँ इसका अध्ययन, कमी है तो पूरी करते हुए आगे बढ़ो। अनुभवी उपलब्धि, भव से अतीत करने वाली जागृति का नाम अनुभव है। वो अपुरुषेय वाणी परमात्मा के द्वारा मार्गदर्शन जो होता है उसका नाम अनुभव है। भगवान जब बोलते हैं तो जड़ती हुई पत्तियों से, उड़ते हुए पक्षियों से, सर्वत्र से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र है। और ज्ञान ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण श्रेणी के साधक के कर्म है। गांव में एक ठाकुर था और सब पंडित ही पंडित, और ठाकुर साहब रोज मुर्गा तीतल भेड़ा बकरा रोज काटे और बढ़िया विधिवत बनावे और खाए, और दुर्गंध आवे तो गांव के लोग चौंक जाएं। जो नए लड़के हो तो खुश रहे यार, बाकी चौंक, बुढ़वा लोग बोले बोले सर निशाचर कहाँ से आ गया, गांव को भ्रष्ट कर दिया। बुलाओ तो ठाकुर साहब बुलाए गए, बोले एक ही घर ठाकुर है, बोले बस केवल एक, बस यही भर है, एक ही ठाकुर है ना, बोले हाँ एक, तो इसको हम लोग ब्राह्मण बना लेते हैं तो गांव शुद्ध पवित्र हो जाएगा। तो बोले बैठा के ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व, ये स्मृत पांडी का आक्षेप से भाई अभ्यंतर सूचि ही, ओ पवित्रो व सर्वावस्था गया हुआ हो तब भी पवित्र, कुछ भी काम किया हो तब भी पवित्र, मांस मुर्गा खाया हो तो वो पवित्र। मंत्र पढ़ दिया और जनेऊ पहना दिया, आज से तुम ब्राह्मण हो गए, अब मांस मांस मत खाना, और चोटी थोड़ी रख दिए। तीन चार दिन तो नहीं खाया, उससे रहा जात है, फिर बनाया, तब दौड़ के आधा गांव टूट पड़ा। बोले ये क्या कर रहे हो, मांस बना रहे हो फिर? बोले नहीं भाई, मैं आलू बना रहा हूँ। बोले कैसे? जैसे तुम लोग मंत्र पढ़ के हमके ठाकुर से ब्राह्मण बना लियो, महो वह मंत्र पढ़ के, वह मंत्र पढ़ के ये जो मांस मुर्गा और बकरे की रान है ना, वो मंत्र पढ़ के हमने इसको आलू बना दिया। ये है धर्म। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।